नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में धार्मिक सद्भाव की एक मिसाल देखने को मिली। यहां सावन के पहले सोमवार को सेक्टर 32 स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में मुस्लिम भाइयों ने अपने हाथों से तुलसी के पौधे लोगों को दिए। लोग यह नज़ारा देख काफ़ी प्रभावित हुए और इस पहल की सराहना की। सिटी ब्यूटीफुल शहर के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब चंडीगढ़ यूटी की टीम भी रणजी ट्रॉफी में खेलेगी। बीसीसीआई के इस पर सहमति जताई है। अब तक चंडीगढ़ के खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा की टीमों में स्थान बनाने के लिए प्रयास करते आए हैं, लेकिन अब यूटी चंडीगढ़ की टीम अगले सीजन से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। सोमवार दोपहर को भारत ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च कर दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश की इस बड़ी उपलब्धि में हरियाणा का भी अहम योगदान रहा। इस चंद्रयान 2 को तैयार करने में वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा स्थित साइंस सिटी अंबाला की भी अहम भूमिका रही है। वैशेषिका इलेक्ट्रॉन डिवाइस में प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल जैन व उनके विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में ही तैयार किए गए हैं। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में सबसे अहम इसके रॉकेट्स की क्षमता को जमीन पर ही टेस्ट करने के लिए जिस 450 टन के खास उपकरण का इस्तेमाल किया गया, उसे भी साइंस सिटी अंबाला में ही तैयार किया गया। और इतनी बड़ी क्षमता वाला यह उपकरण एशिया में पहली बार तैयार किया गया था। हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की मनोहर लाल सरकार ने उनके वेतन व भत्तों के बारे में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में स्वीकृत पदों पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों और अफसरों को अब पक्के कर्मियों के जितना मूल वेतन मिलेगा। उनको हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। किंतु इस खुशखबरी के पीछे दुख भरी बात यह है कि कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। पिछले दिनों पंजाब में हुई जोरदार बारिश ने मालवा के 5 जिले भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मुक्तसर और संगरूर में पानी ने जमकर तबाही मचाई। करीब 90,000 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतीबाड़ी विभाग ने सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 28,000 एकड़ फसल का नुकसान भटिंडा में हुआ है। खारिफ सीजन की मुख्य फसलें धान और कपास के अलावा मक्की, चारे और सब्जियां प्रभावित हुई हैं। फतेहगढ़ साहब जिले के गांव खोजे माजरा में कुछ दिन पहले खोदे गए करीब 24 फीट गहरे गड्ढे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्चे गड्ढे के पास खेल रहे थे। गड्ढे में पानी भरा होने के कारण उन्हें इसका अंदाजा नहीं लग सका और पांव फिसलने के कारण गड्ढे में जा गिरे। तीनों बच्चे सगे भाई थे। परिजनों व ग्रामीणों ने इस प्रशासन की लापरवाही बताते हुए सरहिंद बसी रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया। परिजन मामले में 302 के तहत की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को 2 टाइम सुबह और शाम हाजिरी लगानी होगी। निदेशालय की ओर से बार बार निर्देश देने के बावजूद शिक्षक सुबह शाम हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में निर्देशालय ने स्कूल प्रमुख के नाते प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को पहले स्वयं निर्देशों का पालन करने को कहा। अनदेखी करने वाले के खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए खुशी की बात यह है कि अब प्रदेश सरकार छोटे कारोबार शुरू करने वालों को 50% छूट पर जमीन देगी। छोटे उद्योगों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। उद्योग विभाग की उच्च कमेटी ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने के लिए रेट तय कर दिए हैं। विभाग ने हर औद्योगिक क्षेत्र के विकसित और अविकसित भूमि के अलग अलग रेट तय किए हैं। नोएडा में एक आइसक्रीम वाले को पुलिस वाले से पैसे मांगना पड़ा भारी। पुलिस वाले ने उसकी जमकर धुनाई कर दी, लेकिन पूरा तमाशा कैमरे में कैद हो गया और इस मामले पर जांच बैठ गई है। समाचार एजेंसी CNI को गौतम बुद्ध नगर के SSP वैभव कुमार ने बताया कि आइसक्रीम वाले ने पुलिस
कर्मी से 150 रुपए मांग दिए थे। इस पर पुलिस कर्मी ने आइसक्रीम बेचने वाले को पीट दिया। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के निजी अस्पतालों में काम कर रही सभी नर्सों को वेतन बराबर मिलेगा। दिल्ली के केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शीघ्र लागू करेगी, जिसमें निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्सों को केंद्र सरकार की कमेटी के अनुसार वेतनमान व अन्य लाभ देने की बात कही गई है। यह आदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केंद्र सरकार की कमेटी ने 50 बेड तक के निजी अस्पताल में नर्सों को 20,000 वेतनमान देने की बात कही है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।